अहंकारी बरगद का पेड़। यह कहानी है दो पेड़ों की, एक आम का पेड़ एक बरगद का पेड़। दोनों बहुत ही सुंदर थे। आम का पेड़ बहुत अच्छा था, उसमें 12 महीना आम होते थे, लेकिन बरगद का पेड़ बहुत ही अहंकारी था। आम का पेड़ और बरगद का पेड़ दोनों बिल्कुल पास पास थे। आम की पेड़ की डाली पर पक्षी हर समय आराम से बैठे रहते थे और आम खाते रहते थे आम की डाली पर, क्योंकि आम का पेड़ कभी किसी से कुछ नहीं बोलता था और सबको आश्रय देता था। जब ढेर सारे पक्षी उसकी डाल पर बैठे रहते थे तो आम के पेड़ को बहुत अच्छा लगता था। वो पक्षी आम के पेड़ से स्वादिष्ट आम तोड़ के खाते थे और आराम से सारा दिन चहचहाते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ बरगद के पेड़ को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह शांत और चुपचाप रहना पसंद करता था। इसी कारण बरगद अपनी डाली पर किसी को भी बैठने नहीं देता था, बल्कि उसे तो आम के पेड़ पर भी बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वह आम के पेड़ के कारण शांत बैठ ही नहीं पाता था। सारा दिन पक्षियों के चहचहाने से बहुत परेशानी होती थी। एक दिन बहुत दूर से एक कौआ आया। वो आराम करने के लिए बरगद के पेड़ की डाली पर आकर बैठ गया। तभी बरगद के पेड़ ने कहा, अरे ओ कौए, दूर हो जाओ यहाँ से, मेरी डाल पर आके क्यों बैठ गए? किसने तुम्हें अनुमति दी? तब कौए ने कहा, पेड़ की डाली पर बैठने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है क्या? तभी बरगद का पेड़ बोला, हाँ, मेरी डाली पर बैठने के लिए मेरी अनुमति बिल्कुल चाहिए। मेरी इजाजत के बिना कोई यहाँ नहीं बैठ सकता। फिर कभी मेरी डाली पर मेरी अनुमति मेरी इजाजत के बिना नहीं बैठना। आम का पेड़ यह चुपचाप सब देख रहा था। उसने कौए से कहा, ओ कौए भैये, तुम मेरे पास आकर यहाँ आराम करो, मेरी डाली पर बैठ जाओ। कौए ने आम के पेड़ पर आकर कहा, बरगद का पेड़ तो बहुत ही बुरा है, तुम कितने अच्छे हो आम के पेड़। यह सब कहकर कौआ आम के पेड़ की डाली पर आराम करने लगा। फिर कुछ देर बाद कौआ आराम करके वहां से चला गया। फिर कुछ दिनों बाद एक मधुमक्खियों का झुंड उन दोनों पेड़ के पास आया। मधुमक्खियों के राजा ने कहा, ओ बरगद के पेड़, हम बहुत दूर से आए हैं, हम पहले जिस पेड़ पर रहते थे उस पेड़ ने हमें वहाँ रहने से मना कर दिया, इसलिए हम ऐसी कोई नई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ हम फिर से अपना घर बना सकें। क्या तुम हमें अपनी डाली पर घर बनाने दोगे? बरगद का पेड़ मन ही मन गुस्से से भर गया। उसने अपने मन में कहा, नहीं, यह सब परेशानी तो खत्म नहीं होती, हर रोज कोई ना कोई आकर टपक पड़ता है और मुझे परेशान करने लगता है। उसके बाद बरगद के पेड़ ने मधुमक्खियों के राजा से कहा, नहीं, मैं अपनी पेड़ की डाली पर तुम सबको नहीं रहने दे सकता। जाने कहां कहां से उड़कर आ जाते हैं यहां घर बनाने। चले जाओ यहाँ से, मेरे पेड़ की डाली पर तुम्हारे घर बनाने के लिए कोई जगह नहीं है। यह सब देख सुन के आम के पेड़ ने मधुमक्खियों के राजा से कहा, अरे ओ मधुमक्खी के राजा, तुम मेरे पास आओ, मेरे पेड़ की डाली पर अपना घर बना सकते हो। मधुमक्खी के राजा ने कहा, ओ आम के पेड़, तुम कितने अच्छे हो। इसके बाद मधुमक्खियों ने आम के पेड़ की डाली पर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ एक आदमी आया, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लाया। वो वहाँ आया था पेड़ काटने के लिए। वहाँ आकर उसने देखा आसपास दो पेड़ हैं। उसमें उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, क्या सुंदर पेड़ हैं, लेकिन आम का पेड़ ज़्यादा अच्छा है। फिर वह आदमी आम का पेड़ काटने के लिए आगे जाने लगा तो उसने देखा, ए क्या, आम के पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है।
उसने तुरंत कहा, इस पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, मैंने अगर पेड़ को काटा तो ये काट लेगी मुझे। इसके बाद आदमी बोला, चलो ये तो है दूसरा बरगद का पेड़, चलो इसी को ही काट लेते हैं। फिर आदमी तुरंत बरगद के पेड़ के पास गया और बिना समय गवाए उसे काटने लगा। तभी पर बरगद का पेड़ चिल्लाया, मुझे मत काटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे मत काटो। आह, बरगद की दर्द भरी आवाज सुनकर आम के पेड़ को बहुत तकलीफ हुई। आम के पेड़ ने मधुमक्खियों के राजा से कहा, तुम बरगद के पेड़ को बचाओ, वो हमारे बहुत काम आएगा। तभी मधुमक्खियों के राजा ने कहा, नहीं, हम बरगद के पेड़ की मदद नहीं करेंगे। उस दिन बरगद के पेड़ ने हमें अपने पेड़ की डाली पर घर बनाने से मना कर दिया था। फिर आम के पेड़ ने कहा, हाँ, मैं मानता हूँ बरगद के पेड़ ने बुरा व्यवहार किया, लेकिन अभी अगर तुम सब उसके साथ वैसा ही व्यवहार करोगे तो तुम्हारे और उसके बीच फर्क ही क्या रह जाएगा। आम की यह बातें सुनकर मधुमक्खियों का राजा सबको लेकर उस आदमी पर हमला बोल देता है और फिर वो आदमी वहां से भाग गया। इसके बाद बरगद के पेड़ ने कहा, मधुमक्खियों मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अपनी डाली पर घर बनाने से मना कर दिया था, लेकिन आज तुम ही सब ने मेरी जान बचाई, मेरी सहायता की, आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, धन्यवाद मधुमक्खियों के राजा। मधुमक्खियों का राजा बोला, अगर धन्यवाद कहना है तो आम के पेड़ को कहो, उसके कहने पर हमने तुम्हारी जान बचाई है। बरगद के पेड़ को अपनी भूल समझ में आ चुकी थी। उसके बाद उसने अपने बुरे व्यवहार के लिए सबसे माफी मांगी।